का स्वर्गवास 10 मई को हो गया था, और चूंकि इस समय कोरोना की स्थिति इतनी भयावह है कि हमारे देश में मजदूर वर्ग बहुत ही परेशान है, हैंड टू माउथ जो निजी फैमिली हैं उनकी संख्या असंख्य है, उसके तहत हमने त्रयोदशी को जो कार्यक्रम आज होना था उसको एक तरफ करके हमने ये सोचा कि इस तरह के परिवार जो हैं उनको अपन कुछ यदि थोड़ी बहुत सहायता पहुंचा सके उसमें हमने विचार किया। उसमें मैं यहाँ कुछ बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनको पालकों को थोड़ी बहुत ये मेरा भाई है जो बोल सुन नहीं सकता, ये मुकवदीर है। हमारे पापा 2-3 महीने से अभी घर पर ही बैठे हैं, मजदूरी करते हैं जो कि, तो अभी हमारे घर में खाने पीने की थोड़ी वो है, तो ये इसलिए स्कूल से हमें काफ़ी मदद मिल रही है खाने पीने में। थैंक यू। उद्देश्य मेरे अंदर ये प्रेरणा उत्पन्न हुई कि इन बच्चों के जो अभिभावक हैं वो गरीब और असहाय वर्ग से हैं और इस समय रोजी रोटी उनकी बंद है। इस संकट की स्थिति में अभिभावकों का रोजगार पर न जाने के कारण घर पर कई लोगों को खाद्यान्न की मुसीबत थी। कुछ लोगों की सूचनाएं भी हमारे पास कई एजेंसियों के माध्यम से आई थी। ऐसी स्थिति में हमने इनको शैक्षणिक और खाद्यान्न की किट उपलब्ध कराने का विचार किया, और यहाँ के जो प्राचार्य हैं नरोत्तम दीक्षित जी, ये हमारे पूर्व परिचित हैं, मैं इस क्षेत्र से पहले से जुड़ा हूँ, डाइट में जब था उस समय समावेशित शिक्षा का प्रभारी था, उस नाते इन बच्चों से, इन सभी से मेरा जुड़ाव है।